गाइज वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मैं हूं रविंद्र एंड स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं हूं बिरनहमगंज में और आप देख सकते हैं यह है मेरे आसपास का नज़ारा और एक ब्रिज पे खड़ा हूं और इसके नीचे से एक नदी बह रही है और आई थिंक मेरे ख्याल से इस नदी का नाम सतबहिनी है। तो चलिए आप सब बने रहें ब्लॉग पर कंटिन्यू। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है मैं इस ब्लॉग में करने वाला हूँ रोड ट्रिप और यह जो रोड ट्रिप है बिरनहमगंज मार्केट से होते हुए आगे तक जाएंगे और पूरा श्योर तो नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आगे कहाँ जाना है मुझे, बट चलिए करते हैं रोड ट्रिप। और अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर। गाइज फाइनली हम बिरनहमगंज मार्केट को क्रॉस कर लिए हैं और अभी मैं पहुंच गया हूं कोल मोड़ बस स्टैंड, आप देख सकते हैं। और एक्चुअली इसको सीता मोड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बने रहें ब्लॉग पे कंटिन्यू, फिर हम जाने वाले हैं आगे, देखते हैं कहां तक जाते हैं। चलिए चलते हैं फिर। तो चलिए गाइज फाइनली मैंने रेलवे गेट को क्रॉस कर लिया है
और चलिए मिलते हैं फिर आगे, बने रहिए ब्लॉग पे आप कंटिन्यू। और आगे से आ रही है एक बस जो कि हॉर्न काफी तेज मार रही है यार, आप देख सकते हैं। बीच बीच में आपको रोड का नजारा दिखाते रहेंगे क्योंकि हम इस ब्लॉग में रोड ट्रिप कर रहे हैं और वो भी साइकिल पे, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर बने रहे ब्लॉग पे कंटिन्यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी चढ़ाई है इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है पैडल मारने में। और यहाँ पे बीढ़मगंज है 1 किलोमीटर उठा, कौन था 21 किलोमीटर। तो मैं अभी कौन जाने वाला रूट में हूँ, मतलब इस रूट से आप कचनरवा भी जा सकते हैं। गाइज फाइनली जो है मैं आ गया गांव के बीचों बीच। और चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक गांव पड़ती है, इस गांव का नाम है सलैया डी। अभी मैं सलैया डी में हूँ, तो चलिए फाइनली सलैया डी को क्रॉस करते हैं, इसके बाद मिलते हैं। आगे का नज़ारा जो है काफ़ी खूबसूरत है यार, आप देख सकते हैं हरे भरे पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं। रोड के बगल में साइड में आप जो भी बोले। और आगे से आ रही है एक ट्रक, आप देख सकते हैं काफ़ी ओवरलोड है, देख सकते हो आप। तो गाइस जब यहीं पे ब्लॉग को समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।